है आपका? आई रॉक। आई रॉक? यस आई रॉक बोले तो इंडिया रॉक। कहाँ से आए हो आप लोग? हम सूरत गुजरात से आए। अरे वाह, क्या करने वाले हो आज आप लोग? हम आज डांस परफॉर्म करने वाले हैं। मूवमेंट डिजाइनिंग हमारे डांस फॉर्म का नाम है। हम फ्लोर यूज करके डिजाइन क्रिएट करते हैं और वो टॉप व्यू से सिर्फ दिख सकता है। ओह ओह वाओ। हम लोग में से बहुत सारे लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स है। हम लोग कोविड कैंप्स में गए, वैक्सीनेशन सेंटर्स में गए, उन लोग की हेल्प की है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम ये अपना परफॉर्मेंस राष्ट्रपति भवन के सामने हम लोग परफॉर्म करें। हम ये अपना परफॉर्मेंस जो है वो पूरा डेडिकेट करें हमारे इंडियन सोल्जर्स को और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उन्हें। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सर। यार इसके पहले हमने ये तो बहुत बार सुना कि हमें यहाँ से निकल के अमेरिका और अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जाना है, इंटरनेशनली जाना है, ग्लोबल बनना है, पर राजपथ पे 26 जनवरी के दिन परफॉर्म करना है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपकी इस ख्वाहिश के लिए आपको मेरा सलाम है। हमारे लिए हमारा इंटरनेशनल लेवल हमारा राजपथ है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट आई रॉक। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे फूल से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। मनोज जी क्या लिखा? तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरे, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। Yeah.
रागिनी जी है, रागिनी जी, हाँ ये रागिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं फैन हो गई हूँ आपकी। पूछी क्यों? मैंने आपके परफॉर्मेंसेस देखे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जिस तरीके से आप स्टेज एग्जिट करके गई, उसके लिए मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथक जो है मैंने कभी किया नहीं है, सीखा नहीं है, लेकिन बहुत चाह है कि मैं सीखूं। इफ टाइम परमिट्स मैं जरूर आपके स्कूल आके रह के आपसे सीखूंगी। मेरा सौभाग्य है। कथक जो है वो हमारे देश में ही जन्मी है जी, लेकिन जो सूफियाना अंदाज में आपने इसे पेश किया, इसका जो मिश्रण था मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके हुनर को मेरा हुनर सलाम। थैंक यू सो मच मैम। हमारी तरफ से हाँ है। कदे इस फूल पे, कदे उस फूल पे, यार मेरा तितली अबे जा, यार मेरा तितली अबे जा। हुनर बेपरवाह है, ये न कद न काठी न वेश न देश न उम्र की परवाह करता है, ये हुनर है, बस हुनर की परवाह करता है। यह सपना हासिल करने का एक कदम है मेरे लिए आईजीपी। हुनर बेवकूफ है, खुदा की लिखी किस्मत को खुद लिखना चाहता है, 135 करोड़ की भीड़ में अलग दिखना चाहता है। बंगाल टाइगर का यही खासियत है कि हम लोग जो करते हैं बहुत हटकर करते हैं, अलग करते हैं। हुनर अल्हड़ है, ये संघर्ष को सुकून कहता है, जुनून को अपना खून कहता है। They are the talented children. इनमें वो टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है। हुनर ढीठ है, ये अपनी जिद को अपनी कमान बनाना चाहता है, जहां इसे भी पहचान मिले ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहता है। 16 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जाने कितने इंटरनेशनल मेडल्स, पर फिर भी मेरे स्पोर्ट्स को कोई नहीं जानता। हमारे ग्रुप का नाम है जंप प्रो फ्यूजन ग्रुप। हमारे ग्रुप में सभी इंटरनेशनल और नेशनल एथलीट्स हैं। यार ये तो बच्चों का खेल है, या कई बोलते हैं लड़कियों का खेल है, कई कहते रहे कि नहीं यार सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए कर लो, बट ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, एशियन चैंपियनशिप्स होती है। लोगों को पता है इस बारे में? जो खेलते हैं उनको पता है, बाकी इंडिया में सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही पता है। के अंदर हमारी गेम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से बाहर हो गई थी। जब हमें कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है, एशियन चैंपियनशिप्स खेलनी है, इवन नेशनल खेलनी है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाकर जाना पड़ता है। इक्विपमेंट्स काफी कॉस्टलियर है, देखने में लगता है 100-200 रुपए की चीज है, जब प्रोफेशनली आते हैं तो काफी कॉस्टलियर चीजें आती हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ एक अपना हक मांग रहे हैं। IGT हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। इस शो के जरिए हम अपने हुनर की गूंज सरकार तक और फेडरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। Oh.
कमाल किया आपने तो, मैं तो बहुत इम्प्रेस थी। जो करतूत दिखाए ना आपने, सिर्फ जंप रोप नहीं था, इट वॉज लाइक एक्सीलेंस। जैसे मेरे योगा टीचर हमेशा मुझसे कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी, और ये जो आप करते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। कलाकार कौन होता है? जब कोई ऑर्डिनरी चीज को आप एक्स्ट्रॉर्डिनरीली प्रेजेंट करते हैं, वो yes, आज आपने किया, तो आप कलाकार ही हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो हुनर तो है ही, आप सभी को मेरा हुनर सलाम। थैंक यू दिस मींस अ लॉट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.